फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, कि बहुत टेस्टी होते हैं और इसकी खास बात होती है कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो आज जो मेरी वीडियो का सीक्रेट है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल पुलाव, यानी कि इसमें हम वो सभी बातें, वो सभी चीज़ें यूज़ करेंगे जो रेस्टोरेंट में वेजिटेबल पुलाव बनाते वक्त यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए, पूरी रेसिपी एंड तक देखिए और वेजिटेबल पुलाव को इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं किचन में वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम चावलों के साथ बनाने वाले हैं आपकी और हमारी सबके फेवरेट पुलाव की रेसिपी, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत टेस्टी बनेंगे। और पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम समय के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, इसके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिए हैं चावल, तो ये बासमती चावल हैं और ये एक बाउल जो चावल लिए हैं हमने। तो चावलों का मेजरमेंट जो है, नापतोल बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी लेते हैं तो वो भी उसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, चावल के अकॉर्डिंग, तभी जो है चावल बहुत ही परफेक्ट और एकदम खिले खिले बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर है एक बाउल चावल, इसके साथ ये हैं आलू, एक आलू है जिसे मैंने छील के अच्छे से कट करके पानी में भिगो दिया है, छोटे साइज़ में कट किया है आलू को। ये है विनेगर, तो वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो ये विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। तो विनेगर के साथ हम ये पुलाव बनाएंगे। और यहाँ पर है एक प्याज जिसे हमने लंबे लंबे पतले पीसेस में कट कर लिया है, हरी मटर, अदरक लहसुन को बारीक कूट लिया है, दरदरा सा आप कूट लीजिए अदरक लहसुन को, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ सब्जी में है गोभी के फूल, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गोभी ली है, फूल गोभी, एक गाजर, दो हरी मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च जो कि लंबी लंबी पतली पीसेस में कट की हैं। साथ में ये खड़े मसाले जिसमें हमने लिए हैं साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, काली मिर्च। इसके साथ हम थोड़ा सा लेने वाले हैं हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, दोनों ही थोड़ी मात्रा में। और यहाँ पर है किशमिश, 10 से 12 किशमिश लिए हैं हमने, और काजू हैं 10 से 12। और इसमें मसाले में हमें बहुत ही कम सामान चाहिए होता है, तो मसाले हम लेने वाले हैं गरम मसाला और नमक। इस पुलाव को बनाने वाले हैं हम देसी घी के साथ, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल, मतलब कि आप 2 चम्मच कह सकते हैं, देसी घी लिया है। आप इसे बटर के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेजिटेबल पुलाव की बहुत टेस्टी और शानदार रेसिपी। तो आइए शुरू कर लेते हैं पुलाव बनाना। तो उसके लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और अब इसमें हम जो डाल देंगे घी, देसी घी में हम इस पुलाव को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देसी घी मेल्ट होने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं, और जो देसी घी की मात्रा है वो हमने 2 चम्मच के करीब रखी हुई है। और मेल्ट होने के बाद ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखती है, तो ये गाढ़ी गाढ़ी है, 2 चम्मच मैंने गाढ़ा गाढ़ा देसी घी लिया है। आप यहाँ पे इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुलाव की रेसिपी है ये आप बटर और घी में ही बनाइए तो बहुत टेस्टी बनता है। तेल को थोड़ा सा अवॉइड करिए इस रेसिपी के लिए। इतना ही घी हमारा मेल्ट हो रहा है, इतने हम आपको बता देते हैं कि जो चावल है, सबसे पहले बासमती चावलों को भिगाना है, यानी कि पानी में 15 मिनट के लिए इसे सोप करना है। तो आप इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो के चावलों को और पानी में 15 मिनट के लिए भिगा लीजिए। तो ये चावल इतने बिल्कुल तैयार हो जाएंगे बनने के लिए। फिलहाल यहाँ पर घी जो है वो भी मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें सबसे पहले डाल देते हैं जो हमारे सूखे खड़े मसाले हैं, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी और ये जीरा। साथ में हम इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को आप थोड़ा सा खोल के डालिए, जिससे इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। और 1-2 मिनट इसे फ्राई होने दीजिए, जिससे कि जो जीरा वगैरह है, ये काली मिर्च, लौंग अच्छे से थोड़ी सी भुन जाए, थोड़े से ब्राउनिश से हो जाए कलर और इनकी खुशबू आने लगे। तो ये लीजिए, ये हो गए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि सबसे पहले हमें वेजेस जो होते हैं, यानी कि सब्जियां, उन्हें तैयार करना है। तो यहाँ पर हम जो पतली पतली लंबी लंबी स्लाइसेस में प्याज लिए हैं उन्हें डाल देते हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। प्याज सॉफ्ट होगी, इतने प्याज के साथ ही मैं यहाँ पर जो अदरक लहसुन लिया है उसे भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा फ्राई होना है और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना। तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हमने अदरक लहसुन को बीच में स्पेस करके इसलिए छोड़ा है, क्योंकि ये जो इसके लहसुन की कच्चेपन की स्मेल होती है
वो खुशबू इसमें से निकल जाए और थोड़ा सा ये अच्छे से भुन जाए, जो कच्ची कच्ची स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो निकल जाए। उसके बाद एक दो सेकंड के बाद ही हम इसे सबके साथ मिक्स करके फिर नॉर्मली फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें प्याजों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तो प्याज के साथ ही मैं यहाँ इसमें सब्जियाँ जो हैं उन्हें भी फ्राई करना शुरू करती हूँ। साबुत हरी मिर्च जिन्हें मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया है, गाजर, गोभी, और स्टार्टिंग में सॉरी हम ये साबुत लाल मिर्च भी डालना भूल गए हैं, वो भी इसी में ऐड करना है। और इसमें अब हम डाल देते हैं आलू, जो आलू हमने पानी के अंदर भिगो रखे हैं वो आलू, और हरी मटर, सभी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से इन्हें फ्राई करना है पहले, जिससे कि थोड़े से गल जाएं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम जो सब्जी में चावलों का यूज़ करेंगे, पहले सब्जी को अच्छे से हमें पकाना है। तो लीजिए सारी सब्जियां जो है वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, क्योंकि इसे 2 से 3 मिनट तक आपको फ्राई करना है, जब तक आपको लगे नहीं कि सब्जियां जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं, थोड़ी गल चुकी हैं। तो ये सब्जियां जो हैं गल चुकी हैं थोड़ी सी, तो इसमें मैं बाकी की 3 चीज़ और ऐड कर देती हूँ, जैसे कि हरा धनिया और जो ये पुदीना है ये भी इसमें ऐड होगा, और साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर किशमिश और काजू, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और जो काजू है उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लीजिए काजू जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के जो चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। तो इस सब्जी लगभग बिल्कुल वेजेस तैयार हो गई हैं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, गरम मसाला, तो गरम मसाला थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिए क्योंकि खड़े मसाले ऑलरेडी इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच गरम मसाले का यूज़ किया है, और ये बाकी हम यूज़ करने वाले हैं नमक का। तो नमक क्योंकि ये चावल हैं तो चावल में नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है सब्जियों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक को डाल सकते हैं। तो ये नमक और मसाले भी एक बार हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर जाने वाला है पानी। तो अब वेजेस पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि इसमें नमक, मसाला और जो बाकी की सब्जियाँ हैं सब कुछ अच्छे से पक के तैयार है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी जैसे कि बाउल के अकॉर्डिंग मैंने कहा था मेज़रमेंट, तो इस बाउल में मैंने चावल लिए थे, तो 1 बाउल हमने चावल लिए थे और चावलों को हमने 15 मिनट भिगा रखा था, तो पानी वो ऑलरेडी पी भी चुके हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 1 बाउल चावल के लिए 1.5 कटोरी पानी का। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 कटोरी पानी डालूँगी, तो यहाँ इसे आधा पानी मुझे बचाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें बचा लिया है, 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी जा चुका है। अब मैं यहाँ पर मिक्स करने वाली हूँ इसमें विनेगर। तो जो विनेगर है, सिरका है, वो इस चावलों का जो फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है विनेगर डालना, और बहुत ही टेस्टी होता है इससे पुलाव। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब विनेगर। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो आप नींबू के जूस का भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह, इसे रिप्लेस करके आप नींबू के जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सब्जियाँ ये सब तैयार है पानी वानी डाल के। अब मैं इसमें चावल डालने वाली हूँ। तो पुलाव के लिए सब्जी, पानी वगैरह सब कुछ परफेक्टली डल चुका है, विनेगर तक इसमें जा चुका है। अब ज़रूरत है चावलों की, लेकिन चावल से पहले ज़रूरी है पानी में एक उबाल आना। अगर पानी में उबाल नहीं आएगा तो चावल उतने खिले खिले नहीं बनते, तो ज़रूरी है पानी में एक बार उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है, तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं चावल। तो चावल को हमने 15 मिनट पानी में भिगा रखा था, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, और फूलने के बाद जो पानी है वो थोड़ा पी जाते हैं, इसलिए हम लिमिटेड पानी का यूज़ करते हैं चावल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है अब मैं ये चावल तो
तो चावल इसके अंदर जाने के बाद अब मैं एक बार चावल को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो चावल जो है सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स करके अब इसे हमें कवर करके पकाना है। तो यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि चावल अच्छे से गल जाने चाहिए। सब्जियाँ थोड़ी कुक हो चुकी हैं, थोड़ी सी 5-6 मिनट के अंदर ये पक जाएंगी। तो हम यहाँ पे 5-6 मिनट के लिए इसे कुक करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद खोल के चेक करेंगे कि चावलों की और पुलाव की क्या कंडीशन है। आइए तो एक बार चेक कर लेते हैं चावलों को। तो जो चावल हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि इसका पानी चेक करना है सबसे पहले। तो पानी जो है यहाँ पर लगभग ख़त्म होने वाला है और जो चावल हैं वो भी गल चुके हैं। चावलों को पकने के बाद ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाते हैं। तो बहुत ही कम चावलों को केयरफुली थोड़ा बहुत ही हिलाइए, जिससे आप चेक कर सकें। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चावल दबा के देख लेती हूँ, चावल गल चुके हैं। चावलों को अब यहाँ पर हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए चावल को गैस ऑन करके छोड़ेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं गैस ऑन होते हुए, तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, लेकिन पर ढक्कन को नहीं हटाना है। जी हाँ, ढक्कन को हमें नहीं हटाना है, ढक्कन को हमें और 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहना है गैस बंद करने के बाद, जिससे कि भाप में स्टीम में चावल जो है और भी अच्छे और भी अपना साइज जो है प्रॉपरली ले सकें और फूले फूले खिले खिले अच्छे से बन के तैयार हो। तो पुलाव को और हम ढक के कवर करके अभी ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो आइए चेक कर लेते हैं फाइनली पुलाव। जो वेज पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल बनके तैयार है, क्योंकि गैस तो हमने 5 मिनट पहले ही बंद कर दी थी। बस भाप में और अच्छे से चावल तैयार हो जाएं उसके लिए हमने छोड़ रखा था। तो चावल में पानी बिल्कुल ख़त्म है, सब्जियां गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो वेज पुलाव है वो एकदम तैयार। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बनता है पुलाव। तो चलिए इसकी एक प्लेटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वेजिटेबल पुलाव। रेस्टोरेंट स्टाइल में वेजिटेबल पुलाव की सीक्रेट रेसिपी। ये बहुत टेस्टी लगता है और सबसे अच्छी बात होती है पुलाव की कि बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाता है। जब हम पे टाइम नहीं होता और हमें खाना होता है बहुत टेस्टी, हम सोचते हैं कुछ बहुत हल्का सा इजी सा मिल जाए जो कि बनाने में बहुत आसान हो और सबको घर में बहुत पसंद आए, तो हम ज़्यादातर बनाना पसंद करते हैं पुलाव। और पुलाव की रेसिपी अगर रेस्टोरेंट स्टाइल हो, यानी कि वो सभी सीक्रेट आपको पता हो जो रेस्टोरेंट में यूज़ किए जाते हैं, जिनसे आपके पुलाव की रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट और खुशबूदार बन के तैयार होगी, तो वो सभी रेसिपी के सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बताया है, और फीडबैक मुझे शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।